आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से आफत, 250 मार्गों पर यातायात बंद, 900 से अधिक यात्री जगह जगह फंसे, एक के बाद एक बन रहे हैं नए लैंडस्लाइड जोन। उत्तराखंड में मौसम का सितम जारी है, लगातार हो रही बारिश से लोगों की जिंदगी खतरे में पहुंच गई है। नेशनल हाईवे से लेकर सड़क मार्ग भूस्खलन की वजह से बंद हैं, भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। वहीं ऊपरी इलाकों की बात करें तो मूसलाधार बारिश के चलते घर से लेकर खेत खलिहान सब पानी में बह चुके हैं। ये तस्वीरें चमोली के सीमांत जुम्मा की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते ग्लेशियर टूट गया और ग्लेशियर टूटने से बड़े बड़े हिमखंड पानी के साथ बहने लगे। इससे जुम्मा का एकमात्र पुल बह गया। पुल बहने के बाद लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई, जिसके बाद जेसीबी की मदद से लोगों को पार किया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते पुराने लैंडस्लाइड जोन तो बंद चल ही रहे हैं, अब कई जगह नए नए लैंडस्लाइड जोन भी बनते जा रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से सामने आई है, जहां पाताल गंगा के पास चट्टान टूटकर गिर गई। ऐसा लगा मानो पहाड़ को चीरता हुआ पानी फूट पड़ा हो। इस जगह पर 12 साल पहले भूस्खलन हुआ था, लेकिन इस बीच लगातार हो रही बारिश के चलते यहां खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश का ये दौर अभी थमने वाला नहीं है। आज भी उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग पहले ही बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है, जिसके बाद कई जिलों में सुरक्षा को देखते हुए बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।